फुल जोहार साथियों, मैं सुनील हेम्ब्रम। और साथियों, जैसा कि हमारे जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करने वाले भाई जो जेकब किस्कू है, इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, भू माफिया ने यहाँ पे सरकारी जमीन की खरीद फरोख जो जोरों से चल रही है, उसके खिलाफ यहाँ पे बहुत सारे जो भू माफिया है NH-33 के बेलाजोड़ी में, और यहाँ पे इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सब हम लोग आदिवासी लोग ये भू माफिया लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। हम लोग झारखंडी लोग मूलवासी लोग ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर जेकब किस्को को कुछ हुआ तो जितने भी जो भू माफिया है इस क्षेत्र में, सब कोई कान खोल के सुन ले, आप सबका सेंद्रा होगा। और हम लोग सिद्धू कानू के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, सिद्धू कानू के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है। जान हम लोग जान से नहीं डरते हैं, भले जान गंवा देंगे, लेकिन इस प्रकार के जो भू माफिया लोग हैं, ध्यान से सुन ले, मेरा लाइव वीडियो है। और मैं सुनील हेम्ब्रम, यहाँ पे सब साथी हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये जेकब किस्कू है और यहाँ पे हमारे पूरे साथी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पारंपरिक तीर धनुष के साथ। अगर कोई भू माफिया ये ध्यान से देख ले, ये हम लोग का हथियार है। अगर इसी तरह हमारे जल जंगल जमीन रक्षा के लिए आदिवासियों को ऐसा अगर मारपीट किया जाएगा, तो आप लोग फिर अपना होस्ट फिर आप लोग सोचिएगा क्या होगा। साथियों, चूंकि हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग इतना जल्दी, चूंकि वो झारखंडी भाई लोग हैं, लेकिन हमारे झारखंडी भाई है, लेकिन इस प्रकार से जमीन अगर जमीन गिरी करेंगे, बाहरी बाहरी जो लोग हैं उनको बसाएंगे, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करेंगे, तो इस प्रकार जिस प्रकार जेकब किस्को से हुआ है, झारखंड स्तर पर जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कृपया इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया शेयर कीजिए, ये बात मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। चूँकि ये झारखंड की स्थानीय सरकार है, और इस प्रकार हम लोग जल जंगल जमीन के लिए रक्षा करेंगे, और भू माफिया लोग हम लोगों को इस तरह अगर मारपीट करेंगे, इस प्रकार अगर हम लोगों के खिलाफ अत्याचार करेंगे, तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। एक बार उलगुलान हुआ था आपका सिद्धू कानू के समय, बिरसा मुंडा के समय, और एक उलगुलान अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे, जितने भी भू माफिया है ये देख लीजिए, ये जो तीर है ये सीधा सीधा आपके आपको फिर ये आपको जान ले लेगा। तो सभी साथी से आग्रह रहेगा कि यहाँ पे हमारे जेकब साथी है, इसके ऊपर मारपीट किया गया है, यहाँ पे जो भू माफिया है, यहाँ पे एक हमारे आदिवासी शेर के खिलाफ उन लोगों ने 15-20 जन थे भू माफिया, उन्होंने हमला किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग सबको बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे जेकब भाई है, जल जंगल जमीन के लिए रक्षा करते हैं, इसके खिलाफ इस तरीके से मारपीट हुई है, और हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। कोई भी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं अभी, सभी साथी से आग्रह रहेगा, जमशेदपुर के या घाटशिला क्षेत्र के, आप सभी यहाँ NH-33 पहुँचे, और यहाँ पे भू माफिया लोग हमारे साथी लोगों को मारपीट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और जान से मारने का कोशिश किया गया है यहाँ पे खुलेआम। तो सभी साथी से आग्रह है कि इस प्रकार जो हमारे जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं, उसके खिलाफ हमें एकजुट होना होगा, और हमें उम्मीद है इस वीडियो को सभी साथी शेयर करें। और हमारे अभी साथी दिनकर कच्छप कुछ कहेंगे। जोहार साथियों, ये जिस तरह की घटना घटी है हमारे छोटे भाई जेकब किस्को के साथ में, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उन जमीन माफियाओं को कि कान खोल के सुन लो कि तुम जमीन बेचते हुए जान गवाओगे और हम जमीन बचाते हुए जान गवाएंगे। याद रखना कि तीर तुम्हारे सीने में मारेंगे और तुम गोली का धमकी देते हो ना, अगर झारखंड में रहना है तो इज्जत से रहो, नहीं तो ऐसा जगह मारेंगे ना कि तुम जिंदगी भर सोच नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और जमीन दलाल खास करके दिमाग में डाल ले, और वो टारगेट होगा आज से उन लोगों का उल्टा गिनती चालू, कहीं भी जमीन दलाली अगर चालू हुआ उसको घर में घुस के गोली चलाएंगे, घर में घुस के तीर मारेंगे, याद रखना। वो मेरा वीडियो देख रहा है और उस इस फेसबुक में भी ऐड है, मेरे से भी ऐड है, वो लोग वो दिमाग में डाल ले कि जमीन दलाली जो करते हो ना भाई लोग, करो तुम लोग, अब तुम लोग घुस के मारेंगे, अंदर ऐसे घुसेड़ देंगे, अकेले घूमते अकेले, हम लोग सला आदिवासी शेर है, अगर तुम झारखंड में पैदा हो ना तो हम भी झारखंडी है, ठीक है। जमीन दलाली अगर तुमको बनाने का शौक है ना इतना, तो खुद का पैसा से बनाओ कंपनी, साले किसी दुबे चौबे पांडे को क्यों बैठाते हो बे, हाँ अपना माँ बहन को बेचो ना बे, सबसे अच्छा जमीन को क्यों बेचते हो, अपना बहन को बैठा धंधा में, पैसा बहुत मिलेगा धंधा में, जिस जमीन के लिए हमारे पूर्वज लड़के गए वो जमीन को तुम बेचोगे, तुम्हारा बाप का जमीन है, अब आर पार की लड़ाई होगी, सरकार भी सचेत हो जाए, अगर हमारा जमीन छीनेगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सीधा छाती में तीर मारेंगे, छाती में, पीठ के पीछे वार नहीं करेंगे, छाती में मारेंगे, छाती में आर पार करेंगे, आर पार, अंग्रेज से लड़े थे ना, अब अंग्रेज की लड़ाई नहीं, अब तुमसे लड़ेंगे, जमीन दलालों से, होशियार जमीन दलालों, लड़े थे अंग्रेजों से,
तीर के नोक पे उनके हथियारों को नस्तनाबूद किए थे, अब तीर के नोक पे तुम्हारा छाती काटेंगे, छाती में चीर देंगे, छाती में घुसेड़ेंगे और छाती अबुआ देसु मबुआ राज अबुआ राज अबुआ देसु मबुआ राज अबुआ राज अबुआ देसु मबुआ राज अबुआ राज तो जहां तेरे नोडे मिना को दिला से चला। साथियों अभी यहां पे आप लोग देख सकते हैं हमारे साथी जैकब किसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कोई कुछ नहीं बोला, ये गलत चीज कर रहा है आप लोग। यहां पे हमारे साथी जैकब किसके ऊपर के साथ जानलेवा हमला किया है भू माफियाओं ने, और उन सभी को हम सचेत करना चाहते हैं इस तरीके से अगर दोबारा हुआ तो सब जितने भू माफिया है सबका सेंद्रा होगा, और हम लोग फिर जान से नहीं डरते हैं। जितने भी भू माफिया है ये ध्यान से सुन ले भाई, हम लोग बिरसा मुंडा का खून है, हम लोग डरेंगे नहीं। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे साथी NH 33 में है, अगर कोई भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी यहाँ पे पहुँचे, अभी NH 33 में है, भू माफियों के खिलाफ हम लोग उलगुलान किए हैं और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं NH 33 के क्षेत्र में झारखंडी, यहाँ पे हाईवे में भू माफिया लोग इकट्ठा होकर सरकारी जमीन का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और इसमें प्रशासन भी मौन है, और इसलिए सभी भू माफिया को हम लोग सचेत करना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर दोबारा हमारे झारखंडी भाई बहन या जैकब किस्कू या किसी भी जो जमीन के रक्षा के लिए कुछ हुआ तो सबके खिलाफ उलगुलान होगा। इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी से है, इसको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये जुगसलाई विधानसभा से जुगसलाई विधानसभा का MGM थाना अंतर्गत ये नारगा चौक की घटना है। यहाँ पर हमारे जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए जैकब किस्कू भाई पर भू माफियाओं ने हमला कर दिया है। सभी साथी से आग्रह है कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी आए, और अभी हम लोग जितने भी जो भू माफिया हैं उनके घर जाकर हम लोग ये पूछेंगे कि आप लोग इस तरीके से हम लोगों के साथ क्यों किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उन भू माफियाओं के घर, और सभी साथी